गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। बहुत सुबह सुबह का टाइम था जब मैं सो के उठी थी, उसी टाइम मैं सो के उठी थी और वियर्ड फेस को इग्नोर करना, बस उसी टाइम सो के उठी थी और पार्सल लेके कुरियर बॉय आ गया था, तो उस टाइम मैंने उनसे पार्सल ले लिया और उसे सैनिटाइज़ कर रही हूँ। और आज हाँ, मैं आपके साथ बहुत बड़ी खुशी मेरी शेयर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पार्सल में क्या है, तो इसमें मैंने कुछ कुर्तीज़ ऑर्डर की है, वो आगे आपको दिखाई दूंगी। बट जो खुशी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़ी सी अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हे गाइस, आज मैं आपके साथ फिर से मैं अपना कुर्ती कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, न्यू कुर्ती कलेक्शन, मतलब जो मैंने अभी अभी परचेस किया है। और मैं बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही हूँ क्योंकि यार जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ आपको दिखाने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए। तो इसी वजह से चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पर है इतनी सारी कुर्तीज और वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये न्यू परचेस है मेरा और इस बार अभी सेल चल रहा था तो मैंने परचेस कर लिया, बहुत सारी कुर्तीज है वो परचेस कर लिया और आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। आई नो आप ये देख रहे हो, तो ये भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगी क्योंकि ये भी इसी में से है। और चलिए अभी दिखा देती हूँ एक एक करके कुर्तीज आपको। सबसे पहले ना ये कुर्ती है टील कलर की। ये कलर ना मुझे इतना प्यारा लगता है, आपको क्या बताऊं, ये कलर मतलब मेरा फेवरेट बन गया है ये कलर। इससे पहले भी एक यही कलर की कुर्ती है मेरे पास, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इस टाइप का कपड़ा भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, जैसे कि क्रेप, क्रेप नहीं, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है इसका। ये मटेरियल क्या ही बोलूं मैं आपको, जॉर्जेट भी नहीं है और क्रेप भी नहीं है, वो उस टाइप का क्रेप नहीं है, एकदम चीप टाइप का। तो बहुत सुंदर कपड़ा है, बहुत अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है और आप देख सकते हो पूरी कुर्ती कुछ इस तरह से है, अम्ब्रेला टाइप में, और नीचे से पूरा घेर है और आप देख सकते हो यहाँ पर आगे इतनी सुंदर डिजाइन है ना, मतलब पूरा ये फ्रंट में डिजाइन है इसकी। स्लीव्स भी उसी तरह से है, 3-4 स्लीव्स दी है यहाँ पर, लेस दी हुई है व्हाइट कलर की, बहुत ही सुंदर लगती है। और यहाँ पर ना ऐसे क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा प्लेट दिए हुए दो, तो इसकी वजह से अगर आपकी टमी वगैरह है तो वो भी हाइड हो जाएगी। और इसे मैंने ऑर्डर किया है एक मिनट, आप एम साइज में आप देख सकते हो, एम साइज में ऑर्डर किया है, तो इसे मैंने ऑर्डर किया है, मतलब सारी कुर्ती इस बार एम साइज में ही ऑर्डर किया है और बहुत ही अच्छे से फिट आई है, मतलब इसमें मुझे ऑल्टर कराने की जरूरत नहीं है। वैसे एल साइज में ऑर्डर करती हूँ तो कुछ कुछ मुझे एल साइज में आ जाती है, कुछ कुछ मुझे एम साइज में आ जाती है, तो वैसे एल साइज में भी ऑर्डर करती हूँ तो मुझे अच्छे से फिट आती है वो। बट अगर ना मैं एम साइज में भी ऑर्डर करती हूँ ना, तो भी मुझे मतलब ऐसा है कि एकदम ऐसे फिटिंग में अच्छी आती है एम साइज की कुर्ती, तो मैंने इस बार एम साइज की कुर्ती ऑर्डर की है। और यहाँ पर पूरा आप घेर देख सकते हो इसका, बहुत ही ज्यादा घेर है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी पर्सनली ये कुर्ती। इसका कपड़ा भी बहुत ज्यादा अच्छा है, पीछे से पैक नेक है, आगे से राउंड नेक है, बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके ऊपर आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन लोगे ना, बहुत ही सुंदर दिखने वाली है ये कुर्ती। तो ये कुर्ती है मेरी फर्स्ट कुर्ती। और इस बार ना मैंने क्या किया है, मतलब मैंने सोचा नहीं था ऐसे, बट मेरा मतलब मैंने ऐसे एकदम से मैंने ऑर्डर कर दिया और फिर देखा कि आने के बाद, अरे यार मैंने दो ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की कुर्ती दो ऑर्डर की है, दो टील कलर की ऑर्डर की है और दो ब्लैक कलर की ऑर्डर की है, तो ऐसे करके मेरे पास अभी एक ही कलर के दो दो हुए हैं। तो ये नेक्स्ट टील कलर की कुर्ती आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारी, उसी टाइप में है, थोड़ी थोड़ी आपको लग रहा होगा कि उसी टाइप में है, बट मतलब इसका जो लुक है ना वो थोड़ा अलग अलग है, इसका भी लुक अलग है, उसका भी लुक अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये कुर्ती है और ये पैक नेक है, मतलब जैसे कि यहाँ पर पूरा पैक हो जाता है। मुझे ना थोड़ा सा ये मैंने एम साइज में ऑर्डर की, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गला ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है, मुझे यहाँ से मुझे कुछ तो भी जुगाड़ करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा टाइट हो रहा है। तो ये ना ये इसका जो फैब्रिक है यहाँ पर स्लीव्स का, ये जॉर्जेट फैब्रिक है यहाँ पर इसके, मतलब यहाँ यही वाले कपड़े का ये थोड़ा सा पट्टी दी हुई है यहाँ पे, मतलब जो बॉर्डर होती है वो यहाँ पर इस वाले कपड़े की दी है, और फ्रंट कुछ इस तरह से है, उसी टाइप में है बट थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर भी वो चुन्नटे बोली है ना मैंने, वो दी हुई है। इसका भी कपड़ा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इस टाइप के कपड़े मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। और इस टाइप का पीछे का नेक है और इस टाइप से आगे का नेक है, और इसमें भी मैंने साइज एम ऑर्डर की है आप देख सकते हो। तो ये है मेरी सेकेंड कुर्ती। और हाँ, इन सारी कुर्तीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना आपको अगर पसंद आती है तो। ये मेरा न्यू कलेक्शन है
और आप देख सकते हो ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी, बहुत ज्यादा प्यारी है। मतलब मुझे लगा भी नहीं था इतनी कुर्ती सुंदर आएगी ये। तो ऐसे स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब सी थ्रू होती है जो स्लीव्स, तो एक आप देख सकते हो पूरी स्लीव्स सी थ्रू है। यहाँ पर इसकी पट्टी दी हुई है, मतलब जैसे कि बॉर्डर यहाँ की, ये कपड़े की यहाँ पे बॉर्डर दी हुई है, और इसपे गोल्डन फॉइल प्रिंट है, और यहाँ पर ये भी नेक ना, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम डीप नेक है, बट यहाँ पर भी सी थ्रू है आप देख सकते हो, और यहाँ पर गोल्डन बटन दी हुई है। और आपको क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये कुर्ता। ओवरऑल ये कुर्ता ना कुछ इस तरह से है, मतलब अम्ब्रेला कुर्ता है, बट इतना ज्यादा घेर नहीं है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा घेर नहीं है जैसे कि उसमें है, बट बहुत ही ज्यादा अच्छा कुर्ता है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना सुंदर कुर्ता आएगा ये, और बहुत ज्यादा अच्छा रिसीव हुआ है मुझे। तो इस पे आप गोल्डन ज्वेलरी पहन लोगे तो कोई भी छोटा मोटा फंक्शन आप अटेंड कर सकते हो, बहुत सुंदर कुर्ती है। तो ये है मेरी थर्ड कुर्ती। और एक टॉप लिया है मैंने, तो वो टॉप है, ये काफी दिनों से लेना चाहती थी बट फाइनली ले लिया। इसके टाइप का एक और मेरे पास शर्ट था, इसी वजह से मैं इसे नहीं ले रही थी, सेम ऐसे ही शर्ट था, बट ये टॉप मुझे काफी दिनों से मैंने कार्ट में डाल के रखा था, बट फिर और कार्ट से निकालती थी और कार्ट में डालती थी और कार्ट से निकालती थी, मैंने सोचा फाइनली इसे ले ही लेती हूँ क्योंकि इतना ज्यादा दिल आ गया है मेरा इस पे, तो लेना तो बनता ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी है, उसके बाद यहाँ पर फ्रिल फ्रिल टाइप में नेक है, उसके बाद ये पैक नेक है पीछे से, यहाँ पर बटन दी हुई है, और ये स्लीव्स आप देख सकते हो, स्लीव्स इस तरह से है इसकी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है पहनने के बाद टॉप। और ब्लैक कलर का तो आप पूछो ही मत, एवर ग्रीन कलर है ये, मतलब कभी भी आप पहन सकते हो ब्लैक कलर। और कुछ इस तरह से इसका मटेरियल है, और इसके अंदर क्या बोलते हैं, तो अस्तर भी दिया हुआ है, तो सी थ्रू है, मतलब स्लीव्स इसके सी थ्रू है, और उसके बाद इसके अंदर एक अस्तर भी दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा ओवरऑल टॉप मुझे ये। और इसे पहने हुए तो आप बाद में देख ही लोगे, सब टॉप और ये जो कुर्तीज है मैं पहन के दिखा दूंगी आपको। तो बाद में लिया है मैंने ये माही के लिए, तो ये माही को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, मतलब मैं शॉपिंग करूँ और माही पीछे रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बीच में आ जाती है माही और मेरे लिए ऑर्डर करो। इस बार उसको एथनिक चाहिए था, एथनिक में उसे यही बहुत ज्यादा पसंद आया, तो ये उसने लिया, बट थोड़ा सा उसे मतलब लूज हो रहा है क्योंकि वो आपने देखा ये कितनी ज्यादा पतली है, उसे एक्स्ट्रा एस लिया है बट फिर भी उसे थोड़ा सा लूज आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा एस आप अगर थोड़े से मुझसे पतले हो या तो आप यस से एक्स्ट्रा एस ले सकते हो, अगर थोड़े से माही से मोटे हो तो आप एक्स्ट्रा एस ले सकते हो। ये इस तरह से है, माही को थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये जो ऊपर का क्रॉप टॉप है ना थोड़ा सा लूज हो रहा है, तो मैं ये इसे अल्टर करा लूंगी क्योंकि उसे इतना ज्यादा पसंद आ गया तो वो रिटर्न ही नहीं करने दे रही है। मैंने उसको बोला भी कि रिटर्न कर देती हूँ बाद में इसे ऑर्डर कर देना, तो नहीं बोल रही है, मुझे यही रखना है क्योंकि इतना ज्यादा पसंद आ गया उसे। और मटेरियल देखो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, इसके ऊपर श्रग है, ये तो श्रग पूरा जॉर्जेट का है, सी थ्रू श्रग है, पूरा जॉर्जेट का श्रग है। और ये आपको माही पहन के भी दिखा देगी क्योंकि उसे थोड़ा सा लूज हो रहा है, फिर भी अभी पहन के दिखा देगी क्योंकि इसे अल्टर भी कराना है। अभी अल्टर कराने जाने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो इस वजह से जाना हुआ ही नहीं मेरा, जब जाना होगा तब कोई फंक्शन या कुछ होगा, मतलब जैसे कि कोई त्योहार होगा तो उसमें पहने हुए आप देख ही लोगे माही को इसे। तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसका क्रॉप टॉप आप देख सकते हो नीचे कुछ इस तरह से, इसके क्रॉप टॉप में क्या बोलते हैं ये ऐसे गोल्डन टाइप में लड़िया दी हुई है, और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये। और इसके नीचे प्लाजो है, प्लाजो के नीचे इस तरह से डिजाइन दी हुई है, बहुत ज्यादा अच्छा ये रिसीव हुआ है। तो ये है नेक्स्ट, और ये आप देख सकते हो, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपको तो पता ही है कि इस तरह की स्लीव्स मुझे अच्छी लगती है, और बेल स्लीव्स है इसकी, बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब सी थ्रू वाली है, ये जॉर्जेट का मटेरियल है, उसके बाद ये रेयॉन है, मतलब पूरा जो मटेरियल है वो रेयॉन का है, इस तरह से इसका घेर है, बहुत ज्यादा घेर दिया हुआ है इसमें भी। और ये ना यल यल साइज में ऑर्डर की है या पता नहीं, थोड़ी सी ना, हाँ यल साइज में बराबर है, यल साइज में मैंने ऑर्डर कर दी ये वाली, बट मुझे चाहिए था यम साइज में इसे, क्योंकि ये ना थोड़ी सी मुझे यहाँ से लूज लग रही है, मतलब इतनी फिटिंग अच्छे से नहीं आई है इसकी। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि अगर कोई चीज अगर फिटिंग में नहीं आती है हमें, तो मुझे मैंने एक बेल्ट ऑर्डर कर दिया था, तो वो बेल्ट भी आपको दिखा देती हूँ, और इसके ऊपर का जो वर्क है वो भी आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से मोती एंड वो क्या बोलते हैं इसे पता नहीं, तो इस तरह से वर्क है इसका, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, वर्क भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा मुझे ये भी कुर्ता।
और ब्लैक तो मेरा फेवरेट है ही, तो ब्लैक कुर्ता मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो बेल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये है उसका बेल्ट जो मैंने ऑर्डर किया है उसके लिए। मतलब मुझे लगा था कि अगर कोई चीज हमें थोड़ी सी लूज आती है तो उसमें आप बेल्ट लगा लो। आपने अगर मेरे ट्रिप के ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें मैंने टैन कलर का बेल्ट लगाया हुआ है सारे ड्रेसेस पे। उस टाइम मैंने वो टैन कलर का बेल्ट ऑर्डर किया था और वो ना हर एक ड्रेस पे मैच हो गया था, तो इसी वजह से मैंने एक ब्लैक कलर का भी बेल्ट ऑर्डर कर दिया उसी टाइप में। तो ये आप देख सकते हो इस टाइप में इसे लगाना होता है, यहाँ पर हुक दी है, इस टाइप में लगाना होता है और आप कोई भी ड्रेस फिटिंग का कर सकते हो अपना, मतलब ऑर्डर कराए बगैर। तो ये बहुत ही अच्छा है, जैसे आप कोई अम्ब्रेला कुर्ती पहन रहे हो तो उस पर आप ये बेल्ट लगा लो कमर पे, तो वो ड्रेस टाइप में लुक दे देगी। तो मैंने बहुत सारी ट्रिप पे कुर्तीज भी पहन ली है बेल्ट लगा के, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी ड्रेस टाइप में। तो ये है मेरा, तो ये मैंने लिया है और उसके बाद मैंने ये बेल्ट लिया है, तो ये बेल्ट भी उसी के लिए लिया है। मतलब जैसे कि कोई गोल्डन फॉइल प्रिंट में कोई कुर्ती हो या साड़ी पहन रहे हो, साड़ी साड़ी के ऊपर भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ये वाला बेल्ट। तो गोल्डन बेल्ट है और अच्छे से आपके कमर में आ जाता है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा लगता है ये। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा ऊपर किया था अपने आप को, तो ये कुछ इस तरह से। और इसकी क्वालिटी आपको बताऊं, उसकी भी क्वालिटी बेल्ट की और इसकी भी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मतलब आपको मैं आंख बंद करके बोलूंगी कि आप इसे परचेस कर सकते हो, डेफिनेटली ये कोई भी साड़ी के ऊपर सूट करेगा। अगर आप प्लेन भी साड़ी पहन रहे हो ना तो उसके ऊपर आप अगर बेल्ट पहन लेते हो ये, तो आप पार्टी में जाने के लिए रेडी हो सकते हो। ये जो बेल्ट है इस टाइप का लुक देता है, तो इसी वजह से मैंने ये लिया है कोई भी साड़ी पे लगाने के लिए या कोई भी ड्रेस पे लगाने के लिए। तो नेक्स्ट मैंने लिए है ये बूट्स माही के लिए, कैसे लग रहा है जरूर बताना कमेंट करके। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी इसकी, बट मैंने सोचा चलो इसको बूट्स चाहिए थे, बूट्स 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 कर रही थी कितने दिनों से, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ले लेते हैं इसके लिए बूट्स। तो लेदर बहुत ज्यादा अच्छा है, सच में बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी रिसीव हुई है और इतने कम प्राइस में। मतलब माही भी शॉक हो गई थी और मैं भी शॉक हो गई थी कि यार इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे मिल सकती है। आप अगर अपने लिए लेना चाहते हो तो अपने लिए भी ले सकते हो, अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हो तो अपने बच्चे के लिए भी ले सकते हो। तो बहुत सुंदर क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो आप ये। तो शायद ये 450 या 550 का पता नहीं यार, बट बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गया ये और हिल भी बहुत ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हो। मतलब मैं आपको ऐसे करके दिखा दूंगी, तो 2 इंच की हिल है इसकी, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा लगा मुझे ये बूट्स। और ना लोकल मार्केट में भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, नहीं सच में नहीं मिलेगी, लोकल मार्केट में भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो इतने अच्छे बूट यहाँ पर मिल गए, बहुत ही अच्छे लगे ये, और लेदर की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है इसकी, कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है। मतलब मैंने भी पहन के देखे, एक्चुअली मेरी और माही की साइज सेम ही है, आप शॉक हो रहे होंगे बट सच में मेरी और माही की साइज सेम है, क्योंकि उसके पैर इतने ज्यादा बड़े हैं। मैं अभी उसे बोल रही हूँ कि यार अभी से इतने बड़े आपको शू लगते हैं तो बाद में कितने बड़े लगेंगे, तो मुझे सर्च करना पड़ता है अभी। सच में अभी मैंने दोनों के लिए ये ऑर्डर किया है, वैसे वही ज्यादा पहनेगी बट मुझे कभी पहनने का मन किया तो मैं भी पहन सकती हूँ इसे। तो उसने वो स्कर्ट पे ये ऑर्डर करने के लिए बोला था मुझे और बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे ये, तो इसीलिए ये अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है, बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। और ये सारी जो मतलब कुर्तीज मैंने ली है ना, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की रिसीव हुई है, तो वो भी बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप परचेस करोगे तो हमेशा मुझे याद करोगे कि यार नहीं दी आपने, बहुत अच्छा सजेस्ट किया था हमें, तो आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिया है क्लॉथिंग में ही माही के लिए, तो ये जो स्कर्ट है उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, तो ये स्कर्ट मैंने लिया है माही के लिए और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी रिसीव हुई है। मैंने इस बार की जो क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है ना, वो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, तो इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है इस बार। मतलब आप देख सकते हो कपड़ा कितना ज्यादा सॉफ्ट है, जैसे हिलाऊंगी तभी आपको पता चलेगा, देखो इतना सॉफ्ट कपड़ा है और इतना सुंदर लगता है ना उसके ऊपर। जैसे उसने पहन के दिखाया मुझे, फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है इसकी, उसने जैसे ही पहन के दिखाया मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उसे भी बहुत पसंद आया, तो वो भी खुश, मैं भी खुश, आप लोग अगर लोगे तो आप भी खुश। तो बहुत अच्छी शॉपिंग हुई है इस बार की मेरी। और ये जो लास्ट कुर्ता है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये सेट है,
एक्चुअली ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, मतलब इसकी जो स्लीव्स है वो भी मुझे थोड़ी सी यूनिक लगी और इसका जो पैटर्न है वो भी मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा। मैं नीचे करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है ये आपको लग रहा होगा कि अम्ब्रेला है, बट अम्ब्रेला नहीं है। मतलब ये यहाँ पर कट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर चुन्नट दी हुई है ताकि आपका अगर टमी हो तो वो हाइड हो सके। मेरा तो इतना टमी नहीं है, फिर भी हाइड हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है तो इससे हाइड हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर पैंट दिया हुआ है, पैंट दिखाती हूँ मैं आपको नीचे, इस तरह से पैंट दिया हुआ है। तो ये भी बहुत सुंदर कुर्ता है और डार्क ब्लू कलर में है तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना गोल्डन और सिल्वर कलर का थ्रेड वर्क दिया हुआ है, ये आगे पूरा थ्रेड वर्क है, आप अगर पास से देखोगे तो ये पूरा थ्रेड वर्क है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा पर्सनली ये कुर्ता, तो इसी वजह से मैंने यही पहन लिया अभी। और आप देख सकते हो बहुत सुंदर लगता है ये कुर्ता पहनने के बाद। और इसकी स्लीव्स आप देखो, यहाँ पर बांधने के लिए ये निकलता नहीं है, ये ऐसे स्टिच किया हुआ है और मतलब बार बार बांधने की झंझट नहीं है, ऐसे स्टिच किया हुआ है, यहाँ पर कट है। बहुत ही सुंदर कुर्ता है ये, ओवरऑल कुर्ता बहुत ज्यादा सुंदर है और प्राइस भी बहुत कम है। मतलब सारी कुर्ती इसकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं बहुत ज्यादा महंगा है। एक भी ऐसा कुर्ता नहीं है कि जो 1000 के ऊपर है, 1000 के अंडर, 1000 के 700 600 के ही सारी कुर्तीज है, तो इतने ज्यादा महंगे भी नहीं है। बहुत अच्छी डील है अभी। और अगर आपको परचेस करने हैं तो सेल चल रहा है तो आप परचेस कर सकते हो, मैंने भी सेल में ही परचेस किया है। आपको सारी कुर्तीज के अलग अलग लिंक भी मिल जाएंगे और एक लिंक आपको मिल जाएगा माय हॉल स्टोर का, उस पर क्लिक करोगे तो ये सारी कुर्तीज आपको उसमें दिख जाएगी। और अगर आपको अलग अलग लिंक चाहिए हो तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो, और हाँ चलिए मैं आपको अभी पहन के दिखा देती हूँ कि ये कुर्ती मुझ पे कैसी दिखती है। चलिए अभी देखते हैं मुझ पे कैसी दिखती है। आप भी एक्साइटेड हो रहे होंगे। What did you do that to me?
I killed alone, once a free for champions. I can't believe no, it was supposed to be my pentakill. Why did you do that to me? I killed alone, once a free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you do that? गाइस तो अभी मैं आपके साथ बहुत बड़ी मेरी खुशी शेयर करना चाहती हूँ. बहुत दिनों से मेरा मन था कि मेरे घर पे ये होना चाहिए. एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि आपको क्या बताऊँ. मतलब मेरा टेंशन ख़त्म नहीं हो रहा था. मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी. अगर आपने पहले के ब्लॉग देखे होंगे मेरे, तो मैंने उसमें बहुत बार जिक्र किया है कि मेरे यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है. इतना ज़्यादा इशू है कि मुझे रात रात भर जागना पड़ता है. मतलब वीडियो अपलोड करने के लिए रात रात भर जागना पड़ता है. बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स भी मुझसे पूछते थे कि दी आप कितने बजे सोते हो, तो मुझे ना सोने के लिए 2-3 डेली बज जाते थे. इतनी रात को मैं सोती थी और सुबह जल्दी उठना भी पड़ता था. माही की जब स्कूल थी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी. 6 बजे उठना पड़ता था और 4 बजे वगैरह मैं सोती थी. इतना प्रॉब्लम रहता था नेटवर्क का. और तब जाके आपको सुबह 7 बजे या 8 बजे वीडियो मिलता था, जब मैं सुबह सुबह अपलोड करती थी वीडियो. तो उस टाइम इतना प्रॉब्लम होता था. और अभी भी जब अभी लॉकडाउन स्टार्ट हो गया ना अमरावती में, तभी भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है हमारी साइड में, मतलब नेटवर्क का. और जब फुल लॉकडाउन था उस टाइम भी बहुत ज़्यादा, मतलब सब लोग घर पे ही थे ना, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा नेटवर्क का इशू रहता था कि बिल्कुल एक मैसेज भी नहीं मतलब सेंड होता था. तो अभी मेरा जो टेंशन है ना, इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया है. मेरे घर पे इन्होंने लगवा दिया है वाईफाई. इतनी ज़्यादा खुश हूँ मैं. मतलब आपसे ये खुशी मैं शेयर करने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं सोच रही थी आपको कब बताऊँ कब बताऊँ. उधर से आने के बाद तुरंत मुझे सरप्राइज मिला. एक्चुअली मामा के घर से आई, और मामा के घर से आने के बाद जैसे हमें इन्होंने छोड़ दिया था. इनका पता नहीं पहले से प्लान था या क्या है, तो इन्होंने हमें छोड़ दिया था पहले मामा के घर और ये आ गए थे. आपको तो पता ही है इनकी ड्यूटी की वजह से आ गए थे. फिर जब मैं घर पे आई ना, तो सुबह मैंने देखा कि यार सडनली ये बोले कि चलो मैं अंदर लेके जाके आपको एक सरप्राइज देता हूँ. तो आके देखा तो आप देख सकते हो यहाँ पर वाईफाई लग गया है मेरे रूम में. और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ. मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ. मतलब सच में मेरा जो टेंशन है ना, वो पूरा इन्होंने ख़त्म कर दिया है. पूरा तो नहीं, मतलब पूरा मीन्स अभी वीडियो बनाने का टेंशन तो रहेगा ही यार, वो तो रहेगा ही. एडिट करने का भी रहेगा. बट जो मैं अपलोड करने के लिए दिन भर रखती थी वीडियो, बट फिर भी अपलोड नहीं होता था, तो वो वीडियो का टेंशन मेरा अभी ख़त्म हो गया. इतना ज़्यादा टेंशन में थी सच बताऊँ आपको. अभी ये दोबारा से जो लॉकडाउन चला था ना, मतलब 8 दिन हमारे यहाँ पे, तो उसमें तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं. मतलब लिटरली रोने लग गई थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी मैं. बट सच में मेरा प्रॉब्लम पूरा अभी ख़त्म हो गया है. और मैं मतलब जितना भी थैंक्स बोलूँ इनको. और पहले ना प्रॉब्लम ये नहीं था कि हम लोग ले नहीं पा रहे थे या कुछ. मतलब पहले भी हम लोग राउटर या ये ब्रॉडबैंड लगा सकते थे, बट ना हम जिनको भी कॉल करते थे वो बोलते थे कि आपके एरिया में ब्रॉडबैंड नहीं लग सकता है, वहाँ तक कनेक्शन ही नहीं आया है हमारा. मैं इतनी ज़्यादा पिछले लॉकडाउन में परेशान हो गई थी कि आपको क्या बताऊँ. मतलब जो नहीं वो मैंने गूगल पे सर्च किए नंबर, उनको कॉल करके देखा, उनको मनाया यहाँ पर लगाने के लिए, अड़ोस पड़ोस वालों को मनाया, बट कोई भी मना कर रहा था लगाने के लिए. बट अभी फाइनली यार इन्होंने मेरी टेंशन ख़त्म कर दी. मतलब इनके कोई पहचान के हैं तो उनसे इन्होंने बात की और फिर फाइनली उन्होंने लगा दिया यहाँ पे. इतना ज़्यादा टेंशन फ्री हो गई. और इतना फास्ट चल रहा है ना नेट, अभी क्या बताऊँ आपको. और हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि यार दी आप लाइव नहीं आते हो, हमें आपसे लाइव बात करनी है. तो यार आप लोग सोचो, मेरा वीडियो अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो मैं लाइव में क्या आपको मुँह दिखाऊँ. मतलब पूरा ब्लर दिखेगा और बार बार कट भी जाएगा. तो इसी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाती थी और आपको मैं अपना प्रॉब्लम भी नहीं बता पा रही थी. क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम बताने आती ना मैं यहाँ पे, तो बहुत से लोग आके मुझे बातें भी सुना के जाते, क्योंकि कि हमेशा प्रॉब्लम ही बताती रहती. तो यार आप लोगों से अगर प्रॉब्लम नहीं शेयर करूंगी तो किससे शेयर करूंगी बताओ. अगर मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपने दुख आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. बट कुछ लोग आके बोल देते ना तो बुरा लगता है, इसी वजह से. थैंक यू माही. माही ने चाय बना के लाई है मेरे लिए.
तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सच में परेशान थी और आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही थी। तो चलो फाइनली मेरा टेंशन खत्म हो गया और आप लोगों के साथ मैंने ये गुड न्यूज़ शेयर भी कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए। चलो फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और पहले थैंक यू बोल देती हूँ यार इन्हें, आप लोगों के सामने थैंक यू बोलना है मुझे इन्हें, क्योंकि सच में ये अगर ये नहीं करते ना, मतलब ये अगर लगवा नहीं देते ना मुझे, तो मेरा टेंशन खत्म नहीं होता। तो थैंक यू सो मच यार, ये बैठा है यहाँ पे, थैंक यू सो मच सच में। और आपने अगर वो लगवा नहीं दिया होता ना, तो मेरा सच में टेंशन, मैं हमेशा मैं लिटरली रोती थी इसके लिए, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब रोती थी, नींद नहीं पूरी होती थी तुम्हारी, नींद फिर नहीं पूरी होती थी। रात रात भर जगना, अरे ये सारी चीजें, तो सच में मतलब बहुत बड़ा टेंशन मेरा खत्म हो गया है। मम्मी यहाँ पे बैठी आपका है, प्रॉब्लम बहुत मम्मी दिन से भी दिख यहाँ रहा पे था। बैठी है। एक्चुअली आपने देखा ही होगा मम्मी के आने का ब्लॉग, तो वो मैंने पहले अपलोड कर दिया था। तो चलो बहुत ज्यादा बड़ा टेंशन खत्म हो गया अब मेरा, और अभी मैं वो जो टाइम मैं गमाती थी ऊपर जाने हाँ में, हमारे और साथ भी यही हुआ। टाइम स्पेंड कर पाऊंगी अब, क्योंकि मैं ना ऊपर रखती थी और फिर अपलोड होता था वीडियो उस कितने 5-6 घंटे के बाद वीडियो, वो भी छोटा सा वीडियो 5-6 घंटे के बाद अपलोड होता था। उसके बाद फिर मैं परेशान रहती थी, वीडियो बना भी नहीं पाती थी इसकी वजह से, पूरा टाइम मतलब तो अपलोडिंग में चला अपलोडिंग में ही जाता चला जाता था मेरा पूरा था, टाइम। और उसमें भी मैं बीच बीच में अगर चेक ना करूँ ना, तो उसमें भी मतलब वो फेल फेल हो हो जाता जाता था, तो उसमें भी और टेंशन, अगर फेल हो गया तो फिर तो मेरा था। पूरा मूड ही ऑफ हो जाता था। तो इसी वजह से ये बहुत बड़ा टेंशन आपने खत्म कर दिया, सच में मैं आपको जितना थैंक यू टाइम बोलूंगी ना, तो की बचत उतना हो गई अभी आपकी। टाइम की बचत, सच में टाइम की बचत, मतलब जो आपने मेरे लिए किया ना, मैं वो टाइम आपको दे सकती हूँ, आपको बच्चों को वही है सबको ना, दे सकती हूँ। तो सच में मेरा जो टेंशन है, सच में इन्होंने बहुत ज्यादा खत्म कर दिया है, और बहुत रिलैक्स हो गई हूँ मैं अब नहीं ये तो लगाना बस। भी जरूरी था। हाँ सच में, अब अरे यार मिल नहीं रहा था ना पिछली बार, आपको पता है मैंने कितना ट्राई किया, मतलब हाँ लॉकडाउन में बहुत, मतलब पूरे गूगल के नंबर ले लिए, और गूगल से नंबर जो जो नंबर वहां पर थे उनको कॉल करके, और वो बहुत सारी चीजें की यार, फिर भी नहीं मिला, बट क्या कर सकते अभी हैं। मिलने का कारण ये है कि हाँ तो अभी अभी कुछ इनके लोग जो पहचान के थे इसी वजह से मिल गया, नहीं तो वो भी नहीं मिलता, मतलब पता नहीं अभी क्या था। और वो अभी लॉकडाउन में, और ये 8 दिन के लॉकडाउन में कितनी ज्यादा परेशानी हुई। बहुत परेशानी हाँ हुई। यार फिर भी चलो फाइनली हो गया, तो चलो अभी अभी आपको, खुश हाँ अभी बहुत मेरे फेस से लग नहीं रहा क्या आपको, हो तो बहुत खुश हूँ। और हाँ आपको अभी लाइव भी देखने के लिए मिलेगा, लाइव आया करूंगी, आप बताइए मुझे कब लाइव आऊँ, मैं पूरे फैमिली के साथ लाइव आऊंगी। कभी कभी ये भी आ जाया करेंगे, क्योंकि ड्यूटी से इनको टाइम नहीं मिलता अभी, थोड़ी सी मतलब ड्यूटी से आ गए थे तो फ्रेश फ्रेश हो गए थे, इसी वजह से यहाँ पर मम्मी के साथ बैठ गए थे टीवी देखने के लिए, और मैं अपना वीडियो कंप्लीट कर रही थी। और हाँ कुर्तीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना मुझे, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल जाए। और आपकी फेवरेट कुर्ती कौन सी है वो भी जरूर बताना मुझे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ मेरे इसके अलावा दो और चैनल है, चेक कर लेना जरूर, और इंस्टा पे भी चेक कर लेना, इंस्टा का लिंक और दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो आप मुझे, और वहां पर भी मैंने काफी सारे वीडियोज मतलब रील्स और फोटोज अपलोड किए हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।